भगवान ने अत्यंत कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दिया और हमने प्रमाद किया। प्रमाद में भगवान के द्वारा दिए गए भगवत प्रदत्त इस मानव जन्म को हमने व्यर्थ में गंवा दिया। और एक विशेष बात है, वो बात यह है कि प्रमाद जो है ना, वो संसार के कार्यों में बिल्कुल नहीं है। धन कमाने में प्रमाद नहीं है और किसी व्यवहार में प्रमाद नहीं है। लोगों के घरों में ब्याह शादी होते हैं लड़के बच्चों के, तो दो दो तीन तीन दिन तक बिना सोए रह जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। और घर में 6 घंटे 8 घंटे सो के आने के बाद कथा मंडप में आएंगे। कहो आगे वाले के पर ऊपर लुढ़क जाएं। प्रमाद, भोजन में प्रमाद नहीं, शयन में प्रमाद नहीं, लोक व्यवहार में प्रमाद नहीं, पर सत्संग में प्रमाद है, भजन में प्रमाद है, संध्योपासन में प्रमाद है, मंत्र जप में प्रमाद है। क्या करें, आज तो सुबह से समय ही नहीं मिला संध्या करने का। अच्छा एक बताओ, संध्या का समय नहीं मिला, जप का समय नहीं मिला, भोजन का समय मिला कि नहीं मिला, विश्राम का समय मिला, कंबूर तो मिल गया, तो फिर जप का समय क्यों नहीं मिला भाई, नित्य नियम का समय क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि उसमें तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, उसमें तुम्हारी प्रीति नहीं है, विश्वास नहीं है। ये तब होगा जब भीतर से होगा कि भोजन मिले न मिले, विश्राम मिले न मिले, पर जो साधन गुरुजनों ने दिया है वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। छूटना नहीं चाहिए ये तो है ही है, वो साधन घटना नहीं चाहिए, निरंतर बढ़ना चाहिए। मेरे श्याम